कॉलर हैं दिल्ली से सुशीला जी, स्वागत है आपका मैम। मैं सुशीला शर्मा बोल रही हूँ मैडम। हाँ जी मैम बोलिए। इस बड़ी बहन का आदाब हसीन साहब को तथा सुशीला बेटिया को भी सलाम। आदाब, आदाब। आप दोनों को मेरा ढेर सारा स्नेह अफेक्शन, क्योंकि बड़ी होने के कारण आप लोगों से एक ममता सा भरा लगाव हो गया है। हालांकि इतने दिनों तक हकीम जी ने अपनी बड़ी बहन की कोई सुध नहीं ली, इससे भी मुझे बड़ी मायूसी हुई। लेकिन फिर छोटा भाई तो छोटा ही होता है, जिससे कभी भी हम उसके मोह कम नहीं हो सकता। हमारा मोह तो बढ़ता ही रहता है क्योंकि वो छोटे भाई है। और फिर दूसरी बड़ी बात यह है कि मेरे कोई भाई नहीं है, इसलिए मुझे उनमें भाई की छवि नजर आती है। बहुत शुक्रिया। सहजे बिटिया की सेवा भावना ने तो मेरा मन ही जीत लिया। पहले मेरी 3 बेटियां थी, अब सहजा को मिलाकर 4 बेटियां हो गई हैं। जितना सहजा ने मेरे लिए तकलीफ उठाई है, उतनी तो मेरी सगी बेटी भी नहीं उठा सकती। इसके लिए सिर्फ मैं दुआएं ही दे सकती हूँ बेटे आपको। सारी जिंदगी भर के आपको जो है खुशियां मिलती रहे जिंदगी में, और मैं हर रोज आपकी नई खुशी सुनती रहूं। शुक्रिया। यही मेरी कामना है बेटे आपसे। अब अगर आप कहें तो मैं अपनी बीमारियों का पिटारा खोलूं। बिल्कुल जी, जरूर जरूर। बहुत सारी बीमारियां हैं, आप भी हैरान हो जाएंगे कि इस बहन को इतनी सारी बीमारियां थी और मैंने क्यों नहीं उनकी सुध ली पहले। जी अच्छा, उससे पहले अगर आप कहो तो आपके नजर एक पेश शेयर करूं, मेरा अपना लिखा हुआ है। वाह भाई वाह, वाकई फिर तो आप हमारी बहन हैं। अगर आपकी इजाजत हो तो। जरूर इरशाद। हर जगह बस दर्द का ही राज है, हर जगह बस दर्द का ही राज है, पर अनोखा दर्द का वे अंदाज है। अनोखा वे दर्द का अंदाज है, एक वो जो दर्द पाके रो रहा है, एक वो जो दर्द पाके रो रहा है, एक वो जिसे दर्द पे ही नाज है। हालांकि मुझे उर्दू इतनी ज्यादा नहीं आती, लेकिन मेरी एक टीचर थी मेरे स्कूल में, तो उन्हीं से मैं थोड़ी बहुत सीखी थी मैंने, तो मैं ये खुद ही लिख लेती हूँ थोड़ा बहुत ना। अच्छा सुशीला मैम, आप जॉब भी करती हैं क्या? नहीं, अब तो मैं रिटायर हो गई हूँ मैडम। 7 साल पर रिटायर कर देते हैं ना गवर्नमेंट स्कूल में। करती क्या थी आप? मैं टीचर थी, वाइस प्रिंसिपल रिटायर हुई हूँ। अच्छा, मैं गवर्नमेंट स्कूल में लगी थी पहले, फिर प्रमोशन होते होते वाइस प्रिंसिपल पे पहुंची मैं, तो रिटायर हुए मुझे 15 साल हो गए मैडम। मतलब ऑफिशियली तो 15 साल हुए, वैसे मुझे मतलब एक्चुअली क्या था, मेरी एज 3 साल बड़ी लिखी हुई है, वैसे मैं 72 की हूँ। चलिए बताइए। बड़े होने के नाते मैं ये कह रही हूँ आपसे कि भाई इतना प्यार हो जाता है ना छोटों से कि आदमी ना, आप तो आप सोच रहे होंगे, पर अब आप अपने आप ही सोच, इसके भाई नहीं होता उसको कितनी तड़प होती है भाई बनाने की, आप बताओ। सही बात है। और फिर बेटी मेरे 3 है, तो मुझे बेटी उसके और बेटे से कोई फर्क नहीं लगता, मुझे तो अपनी बेटियां बेटे ही लगती हैं, तो मुझे शैलजा बेटा ही लगती है वो मुझे, लेकिन है मेरी वो चौथी बेटी। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया मैम। तो मैं आप खैर आपकी बड़ाई में कर नहीं सकती शब्दों में, तो क्योंकि वो तो मेरे इतने अख्तियार में नहीं है कि मैं सारी आपकी प्रशंसा कर पाऊँ, क्योंकि वर्ड्स नहीं है मेरे पास एक्चुअली। तो मैं अब आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मैं बताना शुरू करूँ आपको? जी जी, आप लिखते रहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी हाँ जी, बताएं। देखो पहले तो मैं याद ही दिला दूँ आपको, मेरी प्रवृत्ति जो है कफ और वात की है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले आपको पायल की बात करूंगी, जो हकीम भाई साहब ने मुझे बताई थी कि जो 6 चीजें हैं, जो मिश्रण था ना 6 चीजों का, जैसे सौंठ, मेथी, अजवाइन, जीरा, धनिया, ये मैं 3 महीने से नमक जैतून के साथ ले रही हूँ, लेकिन मत्स्य जो है ना मेरे बाहर आए हुए हैं, वो नहीं अंदर गए, और मेरी ज्यादा दिन की पायल नहीं है, पायल तो मेरी 3 महीने की है। पहले पायल नहीं थी मुझे इतनी, हल्की सी जब कभी कब्ज हो जाती थी तो थोड़ा सा दर्द सा होता था अंदर, पर ये जो मत्स्य बाहर निकले हैं ये तो 3 महीने से निकले हैं, और तब से ही मैं दवाई ले रही हूँ। ठीक, आपने मतलब हकीम भाई साहब ने किसी और के लिए बताए थे ना भाईजान ने, वही मैं ले रही हूँ, तो अब ये नहीं पता वो ठीक है कि गलत है ये मुझे पता नहीं है, पर मैंने ले रही हूँ इसलिए मैं आपको बता दिया। ठीक, और एक्चुअली क्या है सेलिब्रिटिया, मैं गर्म प्रवृत्ति की चीजें लेती हूँ तो मुझे पायल बढ़ जाती है, और मैं ठंडी की लेती हूँ तो मुझे खांसी जुकाम कफ बढ़ जाता है। इस मिश्रण में ना आधी गर्म चीजें और आधी ठंडी है, तो मुझे ये नहीं समझ आ रहा इसका सेवन कब तक करना चाहिए। मैं डर के मारे एक बार ले रही हूँ, जबकि मेरे ख्याल में तो भाई साहब ने मुझे बताया था कि आपको 2 बार ही लेनी है ये, पर मैं एक ही बार ले रही हूँ डर के मारे कहीं ऐसा ना कि पायल बढ़ जाए इससे।
हालांकि मुझे इससे पॉटी ठीक आ रही है, मतलब जो कब्र थोड़ी बहुत रहती थी वो अब नहीं है मेरे को कब्र। ठीक है, तो मैं साथ में ये रिक्वेस्ट करूंगी भाईजान से कि ये ना जो भी मुझे बताए घरेलू उपचार ज्यादा बताए, क्योंकि मेरी बिटिया जो है मैं बिटिया के साथ रहती हूँ, तो मेरे को ना बड़ा सहयोग मिल जाएगा बनाने में, और उससे मुझे रिलाई भी ज्यादा है। ऐसा नहीं कि उसमें नहीं है, लेकिन वो मुझे लगता है अपने हाथ से बनाया हुआ ज्यादा आदमी को संतुष्टि होती है कि भाई मैंने अपने हाथ से बनाया। बाकी जैसे वो आप सलाह देंगे वैसे करूंगी, जैसे आप मुझे सजेस्ट करेंगे। ठीक। और दूसरी बीमारी ये है मुझे कि मोटे मोटे फोड़े हो जाते हैं, ये मुझे 1.5-2 साल से होने शुरू हुए हैं। पहले तो कभी कभार होता था, कभी जैसे 4-5 महीने में एक बार हो गया कोई फोड़ा निकल आया, फोड़े का मतलब मोटा जो फोड़ा होता है, लेकिन उससे पस या ब्लड नहीं निकलता। और ये कहाँ निकलते हैं, या ये हिप्स के पास निकलते हैं या ये यूरिनल की जगह निकलते हैं, मतलब ऐसी जगह जब बैठने की जगह होते हैं निकलता है तो फिर मेरे को बैठने में बड़ी दिक्कत होती है। बाकी वैसे मुझे ये दर्द भी नहीं होता, इसमें दुखता भी नहीं है, लेकिन जब ये टच करता है किसी चीज से तो मुझे बहुत ज्यादा पेन होता है। फिर मुझे शुगर तो नहीं आपको? तो है, क्योंकि मैंने आपको बताया अभी था उसमें भी शुगर मेरे को ना अभी हुई है 3-4 महीने से, पहले नहीं थी शुगर मेरे को, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं है कि जो इस तरह के हालात हो जाए। क्योंकि मेरे को एक बार मैंने शुगर को जब चेक किया था तो वो 170 पे पहुंच गई थी, मतलब फास्टिंग जो थी 110 थी और जो मेरी रैंडम थी वो 170 थी, तब मुझे पता चला कि ये तो ज्यादा हो गई है। तो फिर मैंने ना आपने गोंद बताया था ना जामुन का गोंद, वो मैंने लिया तो उससे ना मेरे को फर्क पड़ा है, वो ऐसे फर्क पड़ा मेरे को। अब जो शुगर है मेरी, जो मैंने लास्ट जो मैंने चेक करी थी वो मेरी निकली थी सॉरी फास्टिंग 110 और रैंडम जो थी वो मेरी 97 पे आ गई, लेकिन फास्टिंग मेरी उतनी रही 110। ठीक है, ठीक। तो अब मतलब ये चल रहा है, अभी ये 4-5 दिन पहले के मैंने चेक किया था इसको घर पर ही। ठीक। और दूसरा मुझे नींद नहीं आती है भाईजान बिल्कुल भी, आधे घंटे अगर आ भी जाती ना मैं बिल्कुल दिन भर इस डर से मैं सोती नहीं बिल्कुल भी, कहीं ऐसा ना मुझे रात को नींद आना है तो मैं आधे घंटे में उठ जाती हूँ, और उठ के ना फिर नींद वैसे नहीं आती है। हाँ अगर मैं बैठ जाती हूँ तो मुझे 1-1.5 घंटा नींद अच्छी आ जाती है साउंड के लिए, ठीक है, पर लेट के नहीं आती। और दिन में फिर मुझे झटके आ जाते हैं नींद से बैठे बैठे, ये मुझे मतलब 1-1.5-2 साल से हुआ। पहले तो मुझे कोई बीमारी नहीं थी, ये सारी बीमारी मुझे 2 साल के अंदर अंदर लगी है। ठीक है। और तो ये कोल्ड कप तो मैंने आपको बता ही दिया कि मुझे बहुत रहता है, इसलिए मुझे कभी कभी नाक भी ब्लॉकेज हो जाता है बार बार, और ये मुझे काफी दिन से है, मतलब 2-3 साल से है। पर खांसी मेरी ऐसी कि बलगम अटकता है तब आती है खांसी, वैसे नहीं आती खांसी, मतलब बलगम निकाल लेती हूँ तो फिर साफ हो जाता है, फिर बलगम अटकता है फिर देर ऐसा हो जाता है, मुझे जाना पड़ता है बार बार वॉशरूम। ठीक है। और दूसरा ये कि मुझे ना मैंने आपको बताया था पहले भी ना कि मेरे पैर सुन्न हो जाते हैं 20 मिनट के अंदर ही, क्योंकि मैं टॉयलेट में घंटी के करीब लगा रही हूँ 1 घंटा, तो 20 मिनट में पैर सुन्न हो जाते हैं तो मुझे उठना पड़ता है जल्दी, चाहे मैं दोबारा जाऊँ टॉयलेट, क्योंकि पैर पैर सुन्न होते हैं, हाथ वगैरह नहीं सुन्न होते, सिर्फ पैर पैर सुन्न होते हैं, और जैसे मैं खड़ी होती हूँ वो 2 मिनट में क्या 1-2 सेकंड में ठीक हो जाते हैं। ठीक। और दूसरे आप ये जो है हाई बीपी है मेरे को, ये मुझे 2 महीने से है, मेरे को ना हाई बीपी पहले भी 1-2 बार हुआ था, लेकिन क्या था फ्लक्चुएट होता है बहुत ज्यादा बार बार ना, मतलब अगर अभी 2 मिनट पहले देखेंगे तो एकदम 137/60 निकल आएगा, मतलब 137/67, और फिर उसे देखोगे तो 124/66 निकल आएगा, मतलब एक जैसा नहीं निकलता, अगर मैं 1 मिनट भी बाद में देखूंगी तो कुछ और निकलता है। ठीक है। पर मैं देखती डिजिटल वाला है घर पर जैसे मैं देखती हूँ। और कोई सवाल? दीदी मेरे को आई था उस दिन मेरे को टेंशन वगैरह जब कुछ होती ना दिमाग के अंदर तब मुझे बढ़ जाता है, वैसे नहीं बढ़ता। ठीक है। और ये हो सकता है नींद नहीं आ रही है, समझ भी हो सकता है क्योंकि बीपी का असर तो होता ही नींद आने पर बीपी बढ़ जाता है, तो नींद तो मुझे काफी दिनों से नहीं आ रही, 6-7 महीनों से नहीं आ रही नींद मुझे, तो इस वजह से भी हो सकता है कि ये बढ़ जाता है मुझे। वैसे मुझे कभी बीपी रहा नहीं है, जब कोई टेंशन होती है तभी होता है, वैसे नहीं होता मुझे। ठीक है। क्योंकि जब मेरा ऑपरेशन हुआ था 15 में, इन्होंने मेरा जो यूट्रस निकाल दिया था 15 में 2015 के अंदर, तब मेरा उन्होंने सारा चेक किया था, तो उन्होंने देखा कि जब मेरे को मतलब ऑपरेशन की टेंशन थी ना तब वो बढ़ गया था मेरा, पर उसके बाद उन्होंने नॉर्मल जब भी चेक किया नॉर्मल निकला मेरा।
ठीक है, लेकिन अब जो इस समय मैंने कल जो चेक किया, मैं हर रोज रात को चेक करती हूँ, अब मेरा निकला है नीचे का 67 और ऊपर का 137। ठीक है सुशीला मैम, कभी कभी हाँ जी थोड़ा सा रोकना चाहूंगी, बीपी का आपने जिक्र किया, थोड़ा और जल्दी जल्दी बताएंगी क्योंकि लाइव प्रोग्राम है और भी कॉलर्स हैं लाइन में। अच्छा, एक घबराहट बहुत रहती है, ठीक है, और दूसरा ना मेरा यूरिन लीकेज हो जाता है, जैसे मैं जोर से हंसती हूँ या कोई खांसी मुझे आ जाती है तो मेरे को जो है वो लीकेज जो है निकल जाता है, बस दो चार बूंदे निकलती हैं, और वैसे कभी 20-22 दिन में मेरे को रात को बाथरूम निकल जाता है, पता नहीं चलता। ठीक है अगला सवाल, लेकिन हर रोज नहीं निकलता। और एक ये मेरे बॉडी पे ना पूरे उस पर ना छोटे छोटे स्मॉल से जैसे पपीते के बीज होते हैं ना उस तरह के गोल गोल व्हाइट व्हाइट से वो हो गए धब्बे से। ठीक है, तो मैंने ये होम्योपैथिक डॉक्टर को दिखाया था तो उसने कहा कि ये ना आपका बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, आपको ये ठीक हो जाएगी, आपके कोई ज्यादा दिन नहीं लगेंगे, ऐसा उसने बोला था, तो वही मैं चीज आपको बता रही कि उसने इन्फेक्शन बताया ये बैक्टीरियल। ठीक है अगला सवाल, और शुगर मैं आपको बता ही चुकी हूँ। ठीक है सर, और मैं घुटनों के दर्द के लिए बात आपको पूछना चाहती कि मैं 5 महीने से ये दवाई ले रही हूँ काला गोंद, और उसके साथ ले रही हूँ नमक जैतून के साथ, तो क्या मैं और ले सकती हूँ उसको लंबा, क्योंकि मेरे को 60% आराम है, अभी पूरा आराम नहीं है मेरे को। ठीक है और सवाल, और ये जो मोटापा है ये तो मैं आपको बता चुकी हूँ, मेरे को 93 kg मेरा वेट है, और मैं सारे मतलब मैं ज्यादा तली हुई चीज भी नहीं खा रही हूँ, ऐसे परहेज भी करती हूँ, खाना भी मैं एक टाइम खाती हूँ, ऐसा नहीं है, साइकिलिंग भी करती हूँ, एक्सरसाइज भी करती हूँ, लेकिन पैरों घुटनों में दर्द है ना इसलिए ज्यादा देर नहीं कर पाती, आधा घंटा साइकिलिंग करती हूँ, आधा घंटा मैं वॉक करती हूँ। ठीक है, उसके बाद थोड़े छोटे मोटे एक्सरसाइज हो गई, योगा हो गई, ये करती हूँ सुबह सुबह। अगला सवाल, बस थैंक यू आपको, मैंने इतनी सारी बता दी, अब आप चलिए, अब आप पेन कॉपी लेके बैठ जाइए, और पिटारा वाके में खोल दिए इन्होंने जी। हाँ देखिए, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, और जो रिश्ता आपने कायम किया है वो हमेशा कायम रहे, आपके लिए मेरे दिल में दुआ, और आपके दिल आपके पास मेरे लिए दुआ हो, और शैलजा को भी आपने बहुत दुआओं से नवाजा, बहुत शुक्रिया। पढ़े लिखे लोगों से बात करना अलग ही लगता है, और वाकई एक प्रिंसिपल की बातचीत ऐसी ही होनी चाहिए। बहरहाल सलामत रहें आप, और देखिए ये उम्र में बीमारियां आती हैं और ज़रूर आती हैं, और संसार में 7% लोग ऐसे हैं जो 60 एज क्रॉस कर पाते हैं, बाकी सब 60 से पहले चले जाते हैं, तो आप बहुत खुशनसीब हैं कि आप सलामत हैं, होश व हवास में हैं, दिमाग आपका अभी 40 साल की एक खातून की तरह काम करता है, और हाजिर दिमाग हैं, और जाहिर 3 बेटियों की माँ हैं तो टेंशन भी खूब रखती होंगी, और ब्लड प्रेशर, शुगर, थायराइड, जोड़ों का दर्द, इनमें से एक दो बीमारियां हर शख्स को इस उम्र में आनी तय हैं, तो आ गई हैं। जोड़ों का दर्द में आपको फ़ायदा है तो आप और भी ले सकते हैं, गौंसिया और भी ले सकते हैं, और एक काम मेरे कहने से कीजिए कि वेस्टर्न टॉयलेट नहीं है तो वेस्टर्न टॉयलेट लगवा लीजिए, वो जो पैर सुन हो जाते हैं और अभी तक पूरा फ़ायदा नहीं है इनमें, तो वेस्टर्न टॉयलेट जब आप प्रयोग करेंगे तो ये जो फ़ायदा आपको थोड़ा बहुत रह गया है वो होना, वो भी हो जाना चाहिए, तो 65% आपको फ़ायदा है आपने बताया। अब रही बात पायस की, पायस देखिए 3 चीज़ें आती हैं, वो जो पाउडर आप लेती हैं, मेरा 6 चीज़ों का बनाया है वो तो लेती रही है, उससे आपका हाजमा ठीक है, और सौंफ, सौंफ तो महिलाएं सब जानती हैं, सौंफ, कासनी, ये दूसरी दवा का नाम है, सौंफ, कासनी और मको, ये जड़ी बूटियां मिलती हैं बाज़ार से ले लीजिए, 2-2 चम्मच
पानी में डाल के, एक गिलास पानी में डाल के उबालें, और जब पानी आधा जल जाए तो उसको पी लिया करें दिन में दो बार। इससे ये वर्म का दुश्मन है, जो वर्म आ जाता है और पॉटी की जगह पर वर्म आ जाता है, जो ऐसा लगता है कि मस्से आ गए हैं या फूल गई है, लैट्रिन करने में परेशानी होती है, तो ये वर्म को दूर करती है। इसमें दो चुटकी नमक जैतून मिलाकर आप पी लिया करिए दिन में दो बार। और अगर आप पैदल चलते हैं तो ज़रूर चला करिए, और अगर आप पी सकते हैं तो गर्म पानी पिया करिए। ये डायबिटीज़ को आपकी बहुत कंट्रोल करता है, और हमेशा सलामत रहिए। आप एक मिसाल हैं महिलाओं के लिए, जो इतने बड़े ओहदे तक पहुँचे हैं और अब अपनी बच्चों की परवरिश कर रहे हैं। सलामत रहिए, सलामत रहें। हकीम साहब, एक तो सवाल और थे, मैं बोलूँ, यूरिन लीकेज की बात बताई थी इन्होंने, और फोड़े जो निकलते हैं वो पानी वाले नहीं होते हैं जी? हाँ, जो लोग पानी कम पीते हैं उन्हें भी ये फोड़े निकलते हैं। तो पानी 2 लीटर ज़रूर पिया करिए, 24 घंटे में 2 लीटर। इससे हमारे खून की सफाई हो जाती है, और जो मैंने नुस्खा बताया उससे भी आपके फोड़े निकलने ना निकलने में मदद मिल सकती है।